आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़ मैं आज आपके साथ ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जो कि आपको आगे की वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या मेरा ये वाला मेकअप लुक पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरी पुरानी वीडियोस जरूर से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये वाला मेकअप लुक। ये जो मेकअप लुक है ये आप बहुत ही आसानी से कोई चीज़ों से अपने घर पर ही क्रिएट कर सकते हैं, जो कि जैसे घर में पूजा होती है, छोटे मोटे फंक्शन होते हैं। जैसा कि आज आपको पता ही है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो बहुत पसीना आता है, मेकअप सब निकल जाता है। तो नो फाउंडेशन और नो हाइलाइटर नथिंग, बहुत ईजी 4-5 चीज़ों से हमने ये मेकअप क्रिएट किया है, जो आपका बहुत ही अच्छा लंबा चलेगा। तो गाइस ज़रूर से वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है। सबसे पहले मैं फेस पे लगा रही हूँ टोनर। ये है विटामिन सी का टोनर गुड वाइप्स का, बहुत ही अच्छा है फेस के लिए और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं एक लगा रही हूँ लोशन। अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना है सबसे पहले इस तरीके से। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। जहाँ जहाँ आपको डार्क स्पॉट्स हैं या कुछ पिंपल्स वगैरह के निशान हो रखे हैं तो वहाँ पे आप अच्छे से कंसीलर यूज़ करिए। और मैं फिंगर की हेल्प से ही टैप टैप करके उसे अच्छे से अपने फेस पर लगा ले रही हूँ इस तरीके से। देखिए मुझे फिंगर से ही करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं फिंगर से ही कर रही हूँ। अगर आपको स्पंज या आपको ब्रश यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब हम करने वाले हैं हल्का सा आई मेकअप। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि मेरे सूट में थोड़ा सा गोल्डन और पिंक है, तो मैं वही गोल्डन और पिंक हल्का हल्का लगाने वाली हूँ, बहुत हल्का हल्का। अगर आपके पास गोल्डन नहीं है तो आप यहाँ पे लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं हल्का सा। तो यहाँ मैंने इस तरीके से मैंने लगा लिया है गोल्डन और पिंक, और ये भी मैंने फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जितना अच्छा ब्लेंड करोगे उतना ही ज़्यादा आई मेकअप आपका स्टे करेगा और अच्छा लगेगा, आपका फेस निखर के आएगा। और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मस्कारा, जो है स्विस ब्यूटी का। बहुत ही हल्का हल्का इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बेस तैयार करने के लिए लैक्मे 9 to 5 सीसी क्रीम। और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। ये क्रीम मुझे बहुत सही लगती है, बहुत अच्छा मेकअप होता है इससे, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। इस तरीके से मैंने लगा लिया है। और इसके बाद अभी मेरा ठीक है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है NYB का कॉम्पैक्ट, एक्चुअली मैंने यूज़ कर लिया और मैं उसको ऑन करना ही भूल गई। उसके बाद मैंने जो लिप शेड यूज़ किया है वो है 7 कलर का, जिसका शेड नंबर है 17, ठीक है। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है मेकअप फिक्सर, जो आपके मेकअप को थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रखेगा, ठीक है गाइस। और उसके बाद इस तरीके से जूड़ा बनाया है और ये देखिए इस तरीके से बस ये हो गया हमारा मेकअप क्रिएट। बहुत ही ईजी सा, बहुत ही ईजी 4-5 चीज़ों के साथ हमने अपना मेकअप लुक क्रिएट किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।